लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रांग होंगे। आप जितने स्ट्रांग बनोगे लाइफ उतनी ही आपको इजी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 42 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। पिछले जो भी वीडियो थे, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट्स करे, उन सब का डिस्कस मैं करूंगा पार्ट 16 में। तो फ्रेंड, बने रहिए इस वीडियो के साथ में और अटेम्प्ट करिए ये 42 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस है जो इस बुक में से लिए गए हैं, जो आप सामने बुक देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले आज का अपना ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर किन दो देशों के मध्य झगड़ा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ पर? आप याद करिए मैप को, मानचित्र को, आपको शायद याद आए अगर आपने भूगोल पढ़ी होगी मैप के साथ में, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको लगेगा। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान भूटान। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी नहीं है इसका आंसर, इसका राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन आइंस्टीन, कंचनजंगा, अनाईमुडी एंड पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर होगा इसका बी, कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, कंचनजंगा, अमरकंटक, शिवालिक। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर होगा इसका आपका ए, K2। क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय की पर्वत चोटी जिसका नाम है आपका नामचा बरवा किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम। तो 5 का राइट आंसर होगा आपका डी, असम। क्वेश्चन नंबर 6, पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, भारत। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है आपका अफगानिस्तान। जी इसी स्पीड से आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, राइट आंसर देना है। प्लीज़ टाइम को भी थोड़ा सा मैनेज करके चलिए, अभी से प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से पढ़ने की और स्पीड में ऑप्शन पढ़ने की और राइट आंसर निकालने की। तो आपको एक क्वेश्चन में कम से कम मिलेगा केवल 6 से 7 सेकेंड, तो उसी में क्वेश्चन रीड भी करना है, ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है? ये एवरेज निकलती है आपको रियल एग्जाम में बैठने की। तो GS में जो आता है सो आता है, जो नहीं आता है वो जाता है। उस पर टाइम खर्च करने का कोई फायदा नहीं कि आप बैठ के सोच रहे हो, विचार कर रहे हो इसका आंसर क्या, अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एग्जाम में एक एक सेकंड कीमती होता है, तो उसको बचाइए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, घारवाड़ का पहाड़ जो पठार है किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, बिहार। तो 7 का राइट आंसर है आपका ए, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 8, कोडमोम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर होगा इसका आपका केरल। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? अरावली, अनामलाई, सेसा चलम एंड गिरनार। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर होगा इसका सी, ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से किस लाइन द्वारा अलग होती है? ट्राई लाइन, नेटवर्क लाइन, गाइड लाइन, हिंज लाइन। तो 10 का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, हिंज लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बोमडिला दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, उड़ीसा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पर अवस्थित है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13, जाफना से श्रीलंका से किस दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है? तो एलिफेंटा, बोमेडला, नाथुला, सिपकेला। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इसका आंसर देना, सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करके लीजिए इसमें 10 सेकंड, लेकिन दीजिए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है फिलहाल ए,
क्वेश्चन नंबर 14 है, जोंग या गोरोसपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महाराणा प्रताप जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, या फिर डी है सरदार पटेल जलप्रपात। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है आपका महात्मा गांधी जलप्रपात। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी पर्सनैलिटी ही इंपॉर्टेंट है पूरी। तो इससे संबंधित जो भी आपको चीज़ दिखाई दे जीएस में वो अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी, उपयुक्त सभी। तो 15 राइट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो बैकाल नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी। 16 का राइट आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 17, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो 17 का राइट आंसर है आपका लावा कैसे रंग का होता है? काला, और इससे बनी है हमारी काली मिट्टी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने, गिरनार पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, असम। 18 राइट आंसर है इसका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 19, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग, बुग्याल, पमार, दिनार। 19 राइट आंसर है इसका ए, मर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? बुसाई प्रदेश, तराई प्रदेश, महाहिमालय, या फिर काल सुबाई प्रदेश। 20 राइट आंसर तराई प्रदेश। 21 नंबर है, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन सी है? कुद्रमुख, नंगा पर्वत, अनायमुदी, या फिर काल सुबाई। 21 राइट आंसर है इसका आपका डी, काल सुबाई। क्वेश्चन नंबर 22, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, या फिर एपी। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कावेरी नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। 23 का राइट आंसर होगा आपका सी, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 24, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शालिग्राम, सांगपो, दिहांग, या बृहदेश्वरी। 24 राइट आंसर होगा इसका शालिग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, सेने कोटा दर्रा निम्नलिखित में से किसको आपस में जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को, मदुरई एवं अनंतनाग को, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को, मदुरई एवं मसूरी को। 25 राइट आंसर बनेगा इसका आपका ए, तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई। क्वेश्चन नंबर 26, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। 26 राइट आंसर है इसका सी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 27, नर्मदा किसके निकट धुआंधार प्रपात बनाती है? कटनी, सतना, मैहर, जबलपुर। 27 राइट आंसर है इसका डी, जबलपुर। अगला क्वेश्चन है 28, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, म्यांमार, अफगानिस्तान। 28 तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है 29, बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। 29 राइट आंसर डी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय की कैलाश पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान। 30 राइट आंसर सी, चीन। अगला क्वेश्चन है 31, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? मैसूर, चमोली, ऊटी, पंचमढ़ी।
31 राइट आंसर डी पंचमढ़ी। क्वेश्चन नंबर 32, महादेव पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 32 राइट आंसर होगा इसका सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, कोडमोम पहाड़ी कहाँ पर है? केरल, एपी, महाराष्ट्र, सिक्किम। 33 राइट आंसर केरल। क्वेश्चन नंबर 34, यांग याप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, एपी एंड सिक्किम। 34 राइट आंसर सी एपी। एपी का मतलब को पता है ना, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एपी, जो मैं कह रहा हूँ भी। क्वेश्चन नंबर 35 है, उड़ीसा का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्रह्माणी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। 35 राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 36 राइट आंसर ए तमिलनाडु। देखिए मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा वीडियो के एंड में, ध्यान रखिएगा, या तो इसमें से पूछूंगा या इससे, जो पिछला वीडियो गया था आपके सामने कौन सा पार्ट 13, उसमें से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिससे कि ये चलेगा पता आपको कि आपने कितना ध्यान से वो वीडियो देखा या फिर ये वीडियो देखा। अगर ध्यान से उस समय देखा और भूल गए तो आप किस स्पीड से भूल रहे हो, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, दक्कन का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, आग्नेय चट्टान। 37 राइट आंसर है इसका सी बेसाल्ट चट्टान। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के लवणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? लूनी नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गोमती नदी। 38 राइट आंसर होगा इसका ए लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 39, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? गोदावरी, पेरियार, कावेरी, कृष्णा। 39 राइट आंसर आपका सी कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 40, वैन गंगा तथा पैन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, झेलम। 40 राइट आंसर होगा इसका आपका बी गोदावरी नदी। देखिए एग्जाम में जो आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना, तो आपको पता है कि हर एक के पीछे नदी लगा हुआ है, तो आपको नदी पढ़ने की आवश्यकता है क्या? आप सिंपल पढ़ो ना, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, झेलम, तो ये सब प्रैक्टिस करो। अगर आप नदी मन में पढ़ते हो क्वेश्चन पेपर देखते समय, उस टाइम पे नदी नदी, तो चार नदी आपने 4 बार नदी बोला और आपके कम से कम 4 सेकेंड वहां पे खर्च हुए, 4 से 6 से 8 सेकेंड आपके खर्च हो जाएंगे। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना बच्चों सीखो। अभी से जब भी आप प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, कहीं से भी कुछ भी देखो वीडियो, या खुद अपने ऑफलाइन कोई मॉक टेस्ट बुक सॉल्व करते हो तो वहां पे इसकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 41 है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 41 राइट आंसर होगा इसका सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 42, मैकाल पठार किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। 42 राइट आंसर है इसका आपका ए छत्तीसगढ़। अब पूछता हूं मैं आपसे एक क्वेश्चन फ्रेंड, ये है वीडियो 14, मतलब पार्ट 14 जो अभी आपने देखा उसका क्वेश्चन नंबर 16। तो ईमानदारी के साथ में आप इसका राइट आंसर मुझको भेजेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पार्ट 13 में से, कि एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन देखा था, पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 था ये। तो अब आप खुद देखिए अपने आप को कि आपने कितना ईमानदारी से वीडियो देखा। इसका कमेंट, इसका आंसर आप मुझे करेंगे कमेंट पूरी ईमानदारी के साथ में, और आपका आज के वीडियो में जो भी स्कोर बना वो भी आप मुझे कमेंट करेंगे। तो आज आपके लिए टोटल कितने बन गए? 3 कमेंट। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एक बार अपने आप से सवाल करिएगा कि वीडियो देखते समय आपका ध्यान कहाँ था। ये तो था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको तैयारी करते हुए 6 महीने 1 साल हो चुका है, फिर जरा उस पिछला जो आपका मंथ निकल चुका है उसके बारे में विचार करना कि आपने इसी अटेंशन से अब तक स्टडी करी है, कहीं ये आप गलत तो नहीं कर रहे हैं जो आपको इतना अधिक समय लग गया सिलेक्शन में। थिंक अबाउट इट, आगे मुझे बोलने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो फ्रेंड लेता हूँ आपसे अलविदा,
बस यार एक बार विचार करो अपने ऊपर कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। गलती जानने के बाद भी अगर आप उस पर एक्शन नहीं करते हो, उसको मिटाने का, उसको समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ और अपनों के साथ। हम तो बहुत दूर आते हैं, तो प्लीज़ अपने बारे में विचार करो, अपनों के बारे में विचार करो कि किस तरह से वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, किस तरह से आपकी वो पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं। पापा, मम्मी, भाई, चाचा, ताऊ, कोई भी हो सकता है आपका, तो प्लीज़ उसके साथ चीटिंग मत करो। लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। उम्मीद करता हूँ कि आपका कमेंट मुझको मिलेगा टोटल स्कोर का और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर का भी। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।